और कोरोना वायरस की इस दहशत के बीच लगातार पहल और तैयारियां भी की जा रही है। इस बीच एक बड़ी पहल ड्रग्स विभाग की ओर से की गई है, दबिश दी गई है और दबिश के दौरान बड़ी मात्रा में बड़ी संख्या में मास्क जब्त किए हैं ड्रग्स विभाग ने। गुरुग्राम में ड्रग कंट्रोल विभाग की छापेमार कार्रवाई। मास्क को लेकर साउथ सिटी के रिहायशी इलाकों में दबिश दी गई और बड़ी तादाद में लाखों की संख्या में मास्क जब्त किए गए हैं। ड्रग विभाग का कहना है कि शहर में MRC सस्ते बिकेंगे सैनिटाइजर, मास्क की कालाबाजारी पर भी नकेल कसी जाएगी। कोरोना वायरस की दहशत के बीच ड्रग विभाग की ये बड़ी दबिश, बड़ी संख्या में जब्त हुए हैं मास्क। ड्रग विभाग अलर्ट मोड में है और अब यह कह रहा है कि सैनिटाइजर जो केमिस्ट चौक पर अब बड़ी कीमत पर मिलते थे उन्हें सस्ते दामों पर बेचा जाएगा। देखिए तस्वीरें, ड्रग विभाग की पहल, दबिश के दौरान ये बड़ी संख्या में मास्क जब्त किए गए हैं। बाजार से मास्क और सैनिटाइजर गायब हैं, इसकी वजह कालाबाजारी है। इस कालाबाजारी का भंडाफोड़ गुरुग्राम ड्रग विभाग ने किया है। बड़ी संख्या में मास्क जब्त किए हैं और अब ये मास्क और सैनिटाइजर्स पहुंचाए जाएंगे बाजारों तक ताकि लोगों को मिल सके। या तो मास्क और सैनिटाइजर नहीं मिल रहे और जहां मिल रहे हैं वहां इनके दामों में इजाफा है। वजह यह है कि कालाबाजारी जमकर हो रही थी, इसी का भंडाफोड़ किया है गुरुग्राम के ड्रग विभाग ने। ड्रग कंट्रोल विभाग की बड़ी कार्रवाई और ऐसी ही कार्रवाई की जरूरत है क्योंकि जाहिर सी बात है जब केमिस्ट पर मास्क और सैनिटाइजर्स नहीं मिल रहे, अचानक से गायब हो गए हैं और मांग बहुत ज्यादा है, ऐसे में आशंका होती है कालाबाजारी की और वही हो रहा था गुरुग्राम में भी।